नाम है बाबू तुम्हारा? कहाँ क्या लिखवाया? ये क्या है तेरा हाथ पे? कैसे काट के लिखा है? तो मेहंदी से लिखवाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवप्रकाश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन बीट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरे बाकी वीडियो से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों मैंने किसी वीडियो के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं किया कि वीडियो पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर की बहुत ज़रूरत है, ये वीडियो कुछ अलग है। मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है? कपड़ा क्यों नहीं पहना? कपड़ा नहीं है? कहाँ घर है तुम्हारा? घर किधर है? कहाँ पे? स्टेशन से पीछे? स्टेशन के पीछे रहता है? अच्छा, पैसा जमा करके क्या करेगा? है कपड़ा लेगा? अच्छा, मम्मी पापा कोई नहीं है? सिंघाड़ा खाएगा? सिंघाड़ा खाएगा, ठीक है चलो लेके चल। दो ठो सिंघाड़ा खाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बच्चा जो दिख रहा है, ये जो धनबाद रेलवे स्टेशन है उसके पीछे में रहता है, ऐसा घर उधर है। ले लो। सुनो इधर इधर सुनो, अब कहाँ जाएगा? हमारे समाज में आज भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे आपको, रोड पे, सड़क पे, स्टेशन पे भीख मांगते दिख जाएंगे। आखिर क्यों है ऐसा? सरकार इन पे क्यों नहीं ध्यान देती? देखिए हम लोग एक आम इंसान हैं, हम लोग इन लोगों का ज़रूरत पूरी तरह से तो पूरा नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे शहर से धनबाद से ये वीडियो है, धनबाद जंक्शन, धनबाद रेलवे स्टेशन से, तो मैं गुजारिश करूँगा धनबाद में जो भी NGO है वहाँ तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचाया जाए, ताकि हो सकता है कि इसके जैसे ये जो मनीष बच्चा है इसके जैसे और भी बच्चे हैं उन लोगों का सहायता हो सके और इस बच्चे का भी सहायता हो सके। और हम आप लोगों से भी पब्लिक से गुजारिश करेंगे कि आप भी देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको भोजन का, कपड़ा का, बहुत चीज़ का ज़रूरत होगा। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे बच्चों पे ध्यान दें। आप खुद सोच के देखिए, आप रोज़ का कितना खर्च कर देते हैं खुद पे, अपने बच्चों पे, खुद पे। फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, बहुत सारा खर्च होता है। तो क्या हम एक महीना का एक दिन भी ऐसा नहीं निकाल सकते जो एक गरीब बच्चों के लिए दिन हो, उन्हें खिला दे, भोजन करा दे? हो सकता है कि हमारे भोजन से अगर एक टाइम का भी उनका पेट भर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। दोस्तों आप ऐसा करके देखिए, बहुत खुशी मिलता है। मैंने भी किया, मेरा फर्स्ट टाइम था। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जिसके ज़रिए आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट होके अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में कुछ अच्छा कार्य करें, ताकि ऐसे बच्चों का कुछ भला हो सके। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचना चाहिए NGO की तरफ, सरकार की तरफ ध्यान जाए इस वीडियो पे और कुछ काम हो सके। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।